उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दे काफले ते हमला होने ते चोन कमिशन ने अकाली दल नूं खास सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिता है, पर उस तो पहला इस हमले ते सियासी जगत तो वख-वख प्रतिक्रियावां सामने आ रही ने। खास करके बादल परिवार के मैंबर दी ही इस हमले ते एक राय दिखाई नहीं दे रही। सुनो तुसीं वी। सुखबीर सिंह बादल दे काफले ते होए हमले दी चर्चा अजकल जोरां शोरां ते है, जिस ते सियासतदानां दीआं वख-वख प्रतिक्रियावां सामने आ रहीआं ने। एक पासे जिथे चोण कमिशन ने सुखबीर बादल दे काफले ते होए हमले तो बाद सियासी पार्टियां दी सुरक्षा वधाउण दी गल आखी है ते FIR भी दर्ज हो चुकी है, उथे हरसिमरत कौर बादल दा यह बयान आना कि यह हमला सुखबीर बादल दे काफले ते नहीं होया बल्कि दो धड़ियां दी खैबाजी च होया, वह काफी हैरान कर देने वाला है। तो सुखबीर जी तो कोई हमला नहीं होया, मगरों नहीं नहीं वो पिछे दो धड़िया दे विच लड़ाई सी, धड़िया नू अड करदे वक्त किसे नू होया। ये आम आदमी पार्टी जिहड़े लोकां नू भड़का रही है कि डले कड्डो ते मारो, ये वो शराबी लोकी जिहड़े लोकां दे आगू बन के लोकां नू सही राह दिखाण दे बजाए अज भड़का के माहौल खराब करन वास्ते इहनां दी जिहड़ी आप अपने जमीनों थले खिसकदी हुई जमीन दिस रही है ते हार सिद्धे नज़र रही है, इहो जी चीज़ां करके भड़का के लोकां नू गलत राह चे पराग माहौल खराब करके फिर मगरों कहणगे कि सरकार करा रही है। उहनां दे ही भरा ते सुखबीर सिंह बादल दे साला साहब विक्रम सिंह मजीठिया दा कहणा है कि हमला आम आदमी पार्टी ने करवाया है। देखो मैं बार बार कहना जी, जिन्ना भी पंजाब च माहौल खराब किया जा रहा भावें धर्म के नाँ पर भावें गुरु ग्रंथ साहब महाराज के इशू नूं लैके ते भावें ये सारिया शरारतां आम आदमी पार्टी ये जिम्मेवार है, क्योंकि पहला कदे इह जिहियां चीज़ां नहीं वापरी। जदों के इस इलैक्शन दे आए है ये इलैक्शन लड़न का इन्हां ने आपदा बिगल बजाया, उस दिन तो ही इत्थे हर तरीके की भड़काऊ गल, एक समाज नूं दूजे समाज नाल लड़ाउणा, एक जात नूं दूजे जात नाल लड़ाउणा, ये भड़काऊ सियासत इन्हां दा हिस्सा बन गया। तदे दिल्ली च अज योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे सारे छड़ इन्हां नूं छड़ जा रहे। उधर वड्डे बादल साहब ने भी इस हमले पिछे सियासी साजिश दस्सिया है। वो तो पार्टी जिहड़े है लोगों ने नहीं किया, 10 पार्टी के वर्कर अगर कई हिंड्रेंस पैदा करते हैं तो इसका मतलब नहीं रोक विरोध कर। अगर दस पहले भगवंत मान ने कहा था कि डंडे उन्होंने देखिए इस पर एक्शन आना चाहिए कि उन्होंने कहा कि रोड़े मारो, ये करो, ईंटे चलाओ, क्या कोई तहजीब वाली पार्टी है? ऐसी पार्टी को तो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। देखो ओपनली आप भी देखें ना, आप समझदार लोग हैं कि जो पब्लिक को कहेगा कि इनके इनको गोली मारो, इनको ईंटे मारो, कोई अच्छा है? दूजे पासे सुखबीर सिंह बादल दे काफले ते हमला होण पिछे बेशक आप दा हाथ दस्या जा रहा है, पर इस इल्जाम नूं भगवंत मान ने अकाली दल दी बुखलाहट ही करार दिता। जदों पहला गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होंगी कहिंदे पाकिस्तान दा हाथ है, नाभा जेल कांड होया कहिंदे पाकिस्तान दा हाथ है, हुण जे इन्हां दे लोग गुस्से होके दुखी होके इन्हों पिंडा चो बड़नों हटा रहे हैं, कहते भगवंत मान का हाथ है। सो ये इन्हों की बखलाहट है। जबकि सिमरनजीत सिंह बैंस ने इस हमले नूं लोकां दा गुस्सा दस्या। तो लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जबर जुल्म हुआ है लोगों के साथ, तो ये तो शुरुआत की है ना, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म तो लोग चलाएंगे। लोग अगर डिप्टी CM जिसका सबसे बड़ा दहशत था 10 साल के अरसे में, तो अगर डिप्टी CM का ये हाल हशर कर सकते हैं तो बाकी जो उनके नीचे वाले लोग हैं वो लोगों के गुस्से का शिकार कैसे होंगे ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग, तो उनके पास और है क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलेगा, वो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, उनको तो रात में भी मेरा ख्याल केजरीवाल जी के सुपने आते हैं। हुण बेशक सुखबीर बादल दे काफले ते हमला होण दा मुद्दा काफी गर्मा गया है, पर चोणां दा समा नजदीक होण करके बादल परिवार इन्ना पाजड़ च है कि उहनां दे कोल समा ही नहीं कि उह आपस च मिल के असलियत जाण सकन कि काफले ते हमला होया भी है या नहीं। उधर चोण कमिशन ने लोकां नूं हदायत भी जारी कर दिती है कि जे उहनां दे अंदर किसी गल दा रोस है तां उस नूं इस तरीके नाल ला कढ़न बल्कि वोटां राहीं कढ़न। न्यूज़ एक्स तो शेरी गौरवा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब TV।